उधर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की दो सीटों के अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के अलावा 13 राज्यों में 48 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसकी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की दो जबकि छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। तीनों सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उधर उपचुनाव का शंखनाद होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया तो बीजेपी ने जल्द प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही जीत का दावा किया। देखिए, हम तारीख पर निर्भर नहीं थे, यह तो स्पष्ट था कि चुनाव होना ही है। तारीख कोई भी हो, कांग्रेस की अपनी तैयारी निरंतर चल रही थी और हम लोग हवा हवाई काम ना करते हुए हम लोग हमारे जो बूथ के जो पुराने कांग्रेस के सदस्य हैं, बूथ के एजेंट हैं, उन सब लोगों में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही में उन लोगों से हम ये विश्वास जीतने का कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आपके चुनाव चिन्ह पे, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक चीज, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के दोनों स्थान के उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बीते हुए कल में हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उम्मीदवारों के चयन तक हम पहुंच चुके हैं। अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे शीघ्र उम्मीदवार का चयन करके भेजने वाली है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बूथ पे भी तैयार है और प्रदेश कार्यालय में भी तैयार है और निर्णय करके भी तैयार है और हमारे उम्मीदवार भी शीघ्र तैयार है। कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सीट जीतने के बाद बुधनी सीट खाली हुई थी, जबकि विजयपुर से रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थामने के बाद इस्तीफा दे दिया था। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब यहां भी उपचुनाव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखा आपने, जहां पर दो सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, तो वहीं उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। श्योपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए